अरे बात बोल गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. ओके होपफुली यू ऑल मस्ट हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क. यस मैम. हाँ आज सारे स्टूडेंट ने अपना ये आउटलाइंस कर ली होगी ना. यस मैम. आज हमें अपनी दो ड्राइंग्स वाइंड अप करनी है ठीक है ना. तो आज हमको चलो आफ्टर गिविंग आउटलाइंस यू ऑल मस्ट हैव इरेज्ड ऑल एक्स्ट्रा लाइंस. सारी एक्स्ट्रा लाइंस इरेज कर लो. Erase all extra lines. I'm done. Okay. चलो सारी extra lines erase करनी है. Yeah. Erase all extra unwanted lines. Now students, what we will start with the face. ठीक है. अब हम face से शुरू करते हैं. सबसे पहले for making face, I'm going to take pink and skin color. Pink and skin color. Take out your pink and skin color. Ma'am, please wait. हाँ. Ma'am, which color we need? हाँ, pink. We need pink and skin color. Skin. Two colors. Ma'am, oil pastels. हाँ, oil pastels. Okay, oil pastels. And those who are very new, I will guide right from the beginning only. Okay, are you ready with two colors? All of you have taken out? Show your thumbs up. Show your thumbs up. Because I'm putting all of you on nude mode. So show your thumbs up. Ye skin color and pink. ठीक है? अच्छा. Now what I will be doing? Nani. हाँ yes. Yes beta. Oil pastels में pink और skin color नहीं है. If you don't have oil pastel, then you can go for plastic crayons also. Okay? But I'm going to teach you oil pastel today. If those who are not having oil pastels are not able to purchase because of lockdown, they can try with plastic crayon. Now take your pink color. All of you take out your pink. Yeah, beta. Yes, Shreya. We have to color, do the sketch, the eyebrows and eyes. That we will do. I'm just instructing about that only. ठीक है. आउटलाइंस वी आर सपोज टू डू हियर आल्सो. नाउ यू विल टेक पिंक एंड ऑन द साइड्स स्टार्ट डूइंग कलर्स ऑन ऑल द साइड्स ऑफ फ्लावर्स विद मी. कम ऑन स्टार्ट ऑल ऑफ यू स्टार्ट. मैम वी ओनली हैव टू डू दिस कलर. दिस इज पिंक कलर व्हिच आर मूविंग ऑन साइड ऑफ द फेस. ओके लाइक दिस फ्लावर इज कमिंग इन बिटवीन. तो आई विल जस्ट मूव ऑन ऑल अराउंड लाइक दिस. बैटरी गई. दिस वेज ओके एंड मूव इट स्ट्रेट. नाउ सी आई एम यूजिंग ऑयल पिस्टल. आई एम रिपीटिंग आई एम यूजिंग ऑयल पिस्टल एंड आई एम गोइंग टू मूव माई कलर स्ट्रेट. हमें ऑयल पिस्टल को दोज आर न्यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस. वेन एवर वी आर यूजिंग ऑयल पिस्टल ऑन साइड्स वी मूव इट स्ट्रेट. Okay, all see this face. Yeah, yes, Arna, want to ask anything? Yes, Arna? Yes, ma'am. I don't have pink plastic, pink oil pastel, so I'm using pink plastic now. Okay, so only sides you will fill, and then you will fill colors inside with oil pastel. Do you have oil pastel, Arna? Do you have oil pastel? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. तो pink
you fill on sides? See, now all the sides I'm filling with pink. और देखो जब मैं पिंक भर रही हूँ तो मैं बहुत स्मोकी चला रही हूँ, बहुत प्रोमिनेंट दबा के नहीं चला रही हूँ. माय स्ट्रोक्स आर वेरी स्मोकी और मैंने काफी थिक थिक भर दिया है सारी सराउंडिंग्स पे. आप देखो ऐसे आपको सारी सराउंडिंग्स पे इस तरह से भर देना है. और श्रेया आप यही पूछ रहे थे ना कि आपने फेस में और आईब्रोज में आउटलाइन नहीं किया, आप यही पूछ रहे थे ना, यू वर आस्किंग दिस ना. हाँ कोई बात नहीं, कर लेना ये पिंक करने के बाद फिर उसमें कर लेना. हमें पूरी ड्राइंग में आउटलाइन करना होता है बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू गिव आउटलाइंस आफ्टर डूइंग कलर्स. ठीक है, नाउ टेक योर स्किन कलर, टेक योर स्किन कलर एंड स्टार्ट मर्जिंग योर पिंक. आप थोड़ा थोड़ा पिंक यहाँ भी लगा दो, आंखों के ऊपर भी लगा दो. सी थोड़ा सा पिंक यहाँ लो ऐसे, थोड़ा सा नोज की लाइन पे एक साइड पे ले लो ये ऐसे. लिप्स की सराउंडिंग्स पे ले लो एंड इट्स वेरी स्मोकी लाइट. देखो मैंने ऐसे चला दिया है, ठीक है, इस तरह से चला दो. एंड नाउ यू स्टार्ट मिक्सिंग इट. Okay, now I will take skin color. See, if the name of the skin color is actually flesh tint. Okay, whenever you are picking any color, you read the name. It will help you recognize the color variations. Okay, so this is. Now, one second, you please have a look. सारे students, एक मिनट यहाँ देख लो. एक मिनट के लिए यहाँ देखो. अगर आपके color के ऊपर दूसरे color लग गए और ये color गंदा हो रहा है, तो कोई भी rough page लेकर, आप उसको पहले घिस लो ताकि सारा जो गंदगी है, जो डर्टी वो हो रहा है ब्लैकिश, वो सब निकल जाए और आपका कलर बिल्कुल नीट हो जाए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सपोज इसमें ब्लैक ब्लैक चिपका हुआ है और आप चलाओगे तो आपके फेस में ब्लैक ब्लैक आ जाएगा. ठीक है ना, सो यू रिमूव इट ऑन रफ शीट. हाँ देखो यहाँ पे प्लीज सी आपको कहाँ कहाँ ये पिंक लगाना है. Okay, now you can see this is slightly pink. Nose के पास मैंने हल्का पिंक डाल दिया. अगर समझो ये ड्रॉइंग आप सेव नेचर पे लेते हो, सेव एनवायरमेंट, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ग्रीन डालोगे. डार्क ग्रीन को लाइट ग्रीन से मिक्स करके आप इस कॉन्सेप्ट को सेव ग्रीन पे भी ले सकते हो. ओके नाउ टेक योर स्किन कलर एंड स्टार्ट मिक्सिंग. ऑल ऑफ यू फर्स्ट सी, सारे स्टूडेंट अपना काम रोक लो. एक मिनट यहाँ देखो, एक मिनट यहाँ देखो. अब आपको क्या करना है आद्या बंसल, यू हैव अ लुक. पहले यहाँ देख लो बेटा, सारे स्टूडेंट्स साध्विक, हाँ आपको क्या करना है, आपके अपने आपको अपने कलर को पिंक के अंदर ले जाना है. पहले देखो फिर करना. आप पिंक में ले जाओगे और कलर को छोटा छोटा डॉट, मैं आई एम मूविंग इट राउंड. हाँ यस पलाक्षी, आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो, बस एक मिनट रुक जाओ. ये पिंक के अंदर आके आई विल स्टार्ट मूविंग. सी माई स्ट्रोक्स आर नीदर लाइक दिस Not like this. These are dots, minute dot. हमें पिंक के अंदर से करते करते धीरे धीरे बाहर आना है और हर राउंड को हमें 4 times रिपीट करना है. और एक मिनट देखो स्टूडेंट, जब हम ये कर रहे होते तो इसमें से एक इस तरह का पाउडर निकलता है. यू विल जस्ट, हमें इस पाउडर को उड़ा देना है, वो भी अपनी टेबल पे नहीं बाहर ऐसे फूंक मार के. पलाक्षी आपको क्या पूछना है बेटा? यस पलाक्षी अनम्यूट. मैम मेरा जो लैपटॉप था मैम वो अपने आप शटल डाउन हो गया था. मैम आप बता सकती हो कि मैम जो आपने आईज पे क्या किया? हाँ हमने बस पिंक, अभी पिंक कलर का टचअप लिया है बेटा. हमने सिर्फ पिंक को सराउंडिंग पे डाला है और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, हमने लिप्स के चारों तरफ, नोज के एक साइड हमने बस हल्का पिंक डाला है. अब मैं इसको स्किन कलर के साथ मर्ज कर रही हूँ. और ये देखो स्टूडेंट्स, हर एक छोटा माइन्यूट डॉट, बड़े बड़े राउंड नहीं चलाने, और हर माइन्यूट डॉट को आपको 4 times रिपीट करना है.
अगर आप रिपीट नहीं करोगे ना तो इट वॉन्ट लुक ब्यूटिफुल. जितना आप इसको मर्ज करोगे उतना ही अच्छा आएगा. आर ना आपको आ रहा है समझ में? आपने ऑयल पिस्टल पहले किए हैं? आपने सीखे ऑयल पिस्टल? अच्छा आप अपना अनम्यूट करो आरना अपने आपको. हाँ आरना अनम्यूट करो. एक मिनट. हाँ आरना आपने ऑयल पिस्टल सीखे है पहले? नहीं मैम. अच्छा तो आप ऐसे करो, आपके साइड्स में आपने पिंक भर दिया ना, अब आप पूरे फेस में प्लास्टिक क्रेयॉन से भर दो. आज मैं आपकी मॉम से बात करूंगी, ठीक है ना? हाँ कर लो. अभी आप प्लास्टिक क्रेयॉन लो और प्लास्टिक क्रेयॉन से स्किन कलर भर लो. ठीक है मैम. हाँ कर लो बेटा. देखो मैं पिंक को, अब जब व्हेन वी गो इन पिंक व्हाट हैपेंड, इट स्टार्ट गेटिंग मिक्स्ड एंड मर्ज विद स्किन कलर. आप देख पा रहे हो धीरे धीरे. इट विल टेक टाइम बट नॉट टू हरी. किसी को भी जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है आपको. धीरे 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 सारे पिंक को स्किन कलर के साथ मर्ज कर लेना है. देखो ऐसे सारे पिंक को आप देख पा रहे होंगे कि मेरे स्ट्रोक्स कितने स्लो जा रहे हैं. देखो कितने स्लो. और इसी तरह से आपको आईब्रोज के भी ऊपर आप हल्का सा पिंक ले सकते हो, हल्का सा आईब्रो के ऊपर भी. और किनारे पे स्ट्रेट ही चलाते, किनारे पे कभी भी कलर को राउंड नहीं चलाते, किनारे पे स्ट्रेट चलाते हैं. ठीक है? और बाद में इसको राउंड चलाना है और आपको पूरे फेस को भर देना है. याद रहे कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. पलाक्षी, सौम्या, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं, श्रेया, इस अविका, हाँ आपको कलर के स्ट्रोक्स एकदम माइन्यूट सर्कल की तरह चलाने हैं. ठीक है? स्ट्रेट नहीं चलाने. द करेक्ट टेक्निक ऑफ यूजिंग योर ऑयल पिस्टल इज टू मूव इट इन सर्कुलर मोशन, नॉट राउंड. कई स्टूडेंट अपने ऑयल पिस्टल को राउंड यूज करते हैं, सॉरी स्ट्रेट चलाते हैं. दैट इज रॉन्ग टेक्निक. दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक. ओके हाँ अभी का जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं अभी वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुन लो. हाँ रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेजूंगी. अभी का देखो यहाँ पे बी अटेंडिव. आपको इस पूरी ड्राइंग के किनारे पे पिंक लेना है. ठीक है? और ये आईज के पास थोड़ा सा पिंक लेके फिर इसको स्किन कलर से मर्ज करना है. और प्लीज आर्मी आप भी अभी अभी आयो बेटा. हाँ अभिराज मित्तल वो आर्मी है. आर्मी आपको ना अपनी ड्रॉइंग नहीं बनाई थी ना? कोई नहीं बेटा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आरनी. आप है ना? आप तब तक ऐसे करो. और स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको फेस इसमें करना है, किनारे पे पिंक डाल के. पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हम इसको इसके भी फेस को करेंगे. आज हमें मधुबनी को भी फिनिश करना है. ठीक है ना? तो आज हमारे पास एक बड़ा टारगेट है. किनारे पे स्ट्रेट चलाओ कलर को, कोई भी चीज का किनारा, जैसे आईज की किनारे बॉर्डर्स हैं, आई विल मूव इट स्ट्रेट. वहां पे मैं इसको राउंड नहीं चलाऊंगी. अगर राउंड चलाऊंगी तो क्या होगा, आईज के अंदर चला जाएगा कलर. एंड आई विल जस्ट मर्ज. डस्ट को उड़ाते जाना है, हाथ से नहीं हटाना है. ठीक है? और सारे स्टूडेंट्स ने होपफुली आउटलाइन करने के बाद एक्स्ट्रा पेंसिल की लाइन को इरेज करा होगा. कर दिया ना? Yes, this way. Arni, you were absent last time. मैंने आपको ये क्लास सेंड करी है. ये हमने डूडल आर्ट लास्ट टाइम सीखी थी. ठीक है? तो इस डूडल आर्ट में आप ऐसे करो, अपना ये वाला आर्टवर्क निकाल लो. आर्नी आप अपना ये मधुबनी आर्ट निकाल लो. जिस टेक्निक से मैं इसमें कलर कर रही हूँ ना, आप उसी टेक्निक से फेस में इसमें कलर करो, क्योंकि मधुबनी आर्ट को हमें इसी टेक्निक से करना है. ठीक है? ये इस तरह से हमें आपके पूरे फेस को हमें इसको कर देना है स्किन कलर से. एंड सी माय फेस इज अबाउट टू गेट कंप्लीट. याद रहे बिल्कुल परफेक्ट राउंड. अगला राउंड पहले वाले को ओवरलैप करता हुआ. आपके स्ट्रोक्स अगर आप ऐसे जल्दबाजी में देखो ऐसे से लोगे ना, इट विल कम वेरी अनटाइडी.
बिल्कुल रफ स्ट्रोक्स आएंगे, स्मूथनेस नहीं आएगी। जो हमारी ड्रॉइंग में देखो ये स्मूथ इफेक्ट जो दिख रहा है ना, वो नहीं आएगा। ऐसे ओके, यू कैन पील। जब ये यूज करते करते छोटा हो जाता है तो यू कैन पील। किनारे पे स्ट्रेट देखो, लिप्स के किनारों पे मैं इसको स्ट्रेट चला रही हूं। जब ये बोल्ड हो जाए तब आई विल मूव राउंड। पिंक को भी आपको मर्ज कर लेना है स्किन कलर में, ठीक है? टाइम लग जाए अगर आपका आधा ही फेस हो रहा है तो नॉट टू वरी, आप बाद में कर सकते हो, लेकिन आपको इसको कंप्लीट करना है। आद्या बंसल कंटिन्यू, आद्या बंसल कंटिन्यू फेस। अब आपने ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो सारे रिंग्स हमने जो बनाए हैं, ये क्राउन जो फेस पे बनाया है, यू विल स्टार्ट कलरिंग क्राउन विद डिफरेंट कलर्स। आपको इसमें सारे कलर्स आप यूज करके इसको मल्टी कलर्ड, ये जो सर्कल में हमने बनाया ना, इसको आप बना सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है? आरना, आपने ये जो डिजाइन बनाई है ना बेटा, आप ये सारे डिजाइन में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको फिल करना है, ठीक है? पहले आप मेरे साथ आईज फिनिश कर लो, आईज के बाद फिर हम अपनी मधुबनी इसकी बेसिक गाइडेंस के बाद ये स्मॉल, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स। दिस वेज स्लोली हाँ बस। अब ये फेस उतना होने के बाद स्टार्ट डूइंग कलर्स, ये होमवर्क है, अगर आपका रह गया है तो यू कैन डू इट इन होमवर्क। ओके नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद, अब जितना रह गया छोड़ दो, जितने बच्चों का रह गया है वो छोड़ दो। हाँ फेस बाकी का बचा हुआ होमवर्क में करो। नाउ टेक योर रेड एंड पिंक कलर, ठीक है, टेक योर रेड एंड पिंक कलर या और रेड कलर से आप अपने लिप्स की आउटलाइंस बनाओ, आउटलाइंस बनाओ रेड से बहुत केयरफुली। और अगर आपको लगता है कि हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो यू कैन यूज प्लास्टिक क्रेयॉन्स। अगर आपको लगे कि नहीं लिप्स में हम ऑयल पिस्टल से नहीं कर पाएंगे तो आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स से बना सकते हो, ठीक है? यू जस्ट फिल इट विद रेड। देखो ये धीरे धीरे आपको इसको भरते जाना है और आप हल्का सा मर्ज कर सकते हो इसको पिंक के साथ, हल्का सा पिंक का टचअप, ये इस तरह से पूरे लिप्स में नहीं करना है, हल्का सा जस्ट अ टचअप। और अगर आपको फ्लैट रखना है, आपको लगता है कि मुझे नहीं, और रेड को बिल्कुल हटा दो, अगर हाथ से हटाओगे ना तो रेड के स्क्रैचेस आ जाएंगे, रेड लिप्स। ओके हाँ साथ में करते जाओ, आईलिड को भी स्किन कलर का कर दो और हल्का सा इस पे पिंक आई शेडो लगा दो। ओके नाउ लेट्स कम ऑन आईज स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ योर
मस्ट बी हैविंग योर प्लास्टिक क्रेयॉन्स. अब सारे स्टूडेंट्स प्लास्टिक क्रेयॉन में ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन कलर, ये तीन कलर निकालो. ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्डन. टेक आउट थ्री कलर्स. वी ऑल विल फिनिश आवर आईज टुगेदर. हम आईज को एक साथ फिनिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहले टेक योर ब्लैक. ठीक है, टेक योर ब्लैक और ये इनर सर्कल है, इसको ब्लैक भर दो. ब्लैक भर दो, इनर सर्कल को ब्लैक भरो. हाँ ठीक है अर्णव, इनर सर्कल को ब्लैक भर लो. अब आपको ये गोल्डन कलर लेना है. टेक योर गोल्डन कलर और आउटर में आप आधे में गोल्डन भर लो, आधे में गोल्डन भर लो, हाफ में गोल्डन भरो. आर्नी आपको ये सारी चीजें आपको मधुबनी में करनी, आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी ना, तो आप मधुबनी में ये करो. वेरी गुड, वेरी गुड पलाक्षी. और अब आप यहां से ब्राउन लो और ब्राउन को गोल्डन में आने दो, गोल्डन के अंदर भी आने दो ब्राउन को, पूरा नहीं पर थोड़ा आ जाने दो ऐसे. ठीक है, ब्राउन को लेट इट एंटर इन गोल्डन और फिर स्केच पेन से आउटलाइंस को, आउटर आउटलाइंस को अच्छे से बोल्ड कर दो. ओके, अब हमें आईब्रोज भी करनी है. हम प्लास्टिक क्रेयॉन से ही कर लेते हैं. आप ऑयल पिस्टल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑयल पिस्टल से अगर कर रहे हो तो आईब्रोज आप एंड में करना, नहीं तो इसका, इसके ब्लैक स्पॉट पूरे फेस को खराब करेंगे. अब आप यहाँ देखो सारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो. अब जैसे समझो मुझे इस सर्कल को कलर करना है. मैं आपको एक बात बताऊं सारे स्टूडेंट्स, अभी करना नहीं पहले सुनना. समझो कि मैं पर्पल और पिंक कलर ले रही हूँ. ऑल ऑफ यू स्टॉप डूइंग एंड लिसन. और अर्णव आप भी ध्यान से सुनो क्योंकि आप ऑयल पिस्टल फिर यूज करोगे. ऑल ऑफ यू लिसन. हाँ स्टॉप डूइंग, आई वॉन्ट योर अटेंशन. हाँ सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस. जब भी ऑयल पिस्टल में वी आर यूजिंग टू कलर्स, ठीक है, जब हम ऑयल पिस्टल में टू कलर्स यूज करते हैं, एक डार्क टोन एक लाइट टोन, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद डार्क टोन. अब जैसे कि समझो कि मुझे स्पाइरल शेप है, ये स्पाइरल शेप जो है ये फ्लावर है, इस फ्लावर में मुझे कलर करना है, तो मैं डार्क टोन से शुरू करूंगी. मैं क्या करूंगी, आउटर सर्कल में मैं इसको डार्क भर दूंगी. और जैसा कि हमें मालूम है हम आउटर सर्कल में इसको स्ट्रेट चलाते हैं, राउंड नहीं चलाते. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखो अब यहां देखो सारे स्टूडेंट्स, एक मिनट देख लो. हाँ ये स्ट्रेट चला दिया सबने. हाँ ये मैंने पर्पल कलर लिया और पिंक कलर लिया. अभी इतना थिक चलाने के बाद अब मैं पिंक से इसको मिक्स कर दूंगी. मैं पर्पल के अंदर जा रही हूं पहले. देखो मैंने पहले पर्पल के अंदर जाके मुझे दो टाइम रिपीट करना है. आप पर्पल से फिर बाहर आते जाओगे, फिर पर्पल में जाओगे, फिर बाहर आते जाओगे, फिर पर्पल में जाओगे. आपको फोर टाइम्स रिपीट करना है और राउंड चलाना है अपने कलर को. पर्पल में जाओगे बाहर आते, देखो ये मिक्सिंग हो रही है. पूरे पूरे में पिंक नहीं भरना है, देखो इतना छोड़ना है अंदर. या इसको चलो भर दो. इनर सर्कल छोड़ देना, इनर सर्कल को हम ब्राउन या कोई और कलर का बना देंगे. ये देखो हमारा सर्कल बन गया. इसकी डस्ट, इसमें देखो ये डस्ट है, इस डस्ट को उड़ा दो बाहर, अपनी टेबल के बाहर उड़ाओ. हाथ से नहीं हटाना इसे, टेबल के बाहर उड़ा दो. एंड फिल ब्लैक, फिल ब्लैक. इन द इनर सर्कल. ओके, अब जैसे समझो एक ये सर्कल है, मैं ये वाला सर्कल बताती हूँ, ये वाला बड़ा वाला. ठीक है, इसके लिए डार्क ग्रीन लो. सारे स्टूडेंट्स ये थ्री कलर्स ले लो, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन ले लो. हाँ अब डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन लेने के बाद इधर देखो सारे स्टूडेंट्स, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन में ये डार्कर टोन है ना, हमें हमेशा डार्कर टोन से शुरू करना है. आप इसके आउटर में डार्कर टोन चला दो, स्ट्रेट, काफी बोल्ड, काफी मोटा मोटा भर दो. ये ऐसे
अब हम क्या करेंगे, इधर देखो सारे स्टूडेंट्स, अब हम डार्क ग्रीन, हम जब शुरू करेंगे भरना, we will touch the lines. डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन से हम धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देंगे. आपको हर सर्कल के छोटे छोटे डिजाइन में कलरिंग नहीं करनी है, आपको हर सर्कल में डार्क टू लाइट डिफरेंट कलर, डार्क ब्लू से स्काई ब्लू ले सकते हो, ऐसे. ठीक है, देखो डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन पे आ गई मैं, और डस्ट को, ये डस्ट जो है इसको हटाते जाओ. हाँ हाँ आना, she don't have oil pistols. हाँ आना, दूसरे दूसरे कलर्स डाल दो बेटा. ठीक है, आप ऐसे, अगर आपके पास डार्क कलर की आउटलाइन डालो, जैसे पर्पल है ना, तो आप इसमें डार्क कलर की आउटलाइन डाल के लाइट कलर अंदर भर दो. आप चाहो तो अलग अलग डिजाइन में अलग अलग कलर भी भर सकते हो, क्योंकि आप प्लास्टिक क्रेयॉन यूज कर रहे हो. देखो ये डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन. अब मैं समझो एक और कलर स्कीम आपको बता देती हूँ, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू. आई एम टेकिंग टू कलर्स, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू. ठीक है, और चलो डार्क ब्लू और स्काई ब्लू के साथ मैं इस सर्कल को बनाती हूँ. व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं किनारे पे डार्क ब्लू लूंगी, स्ट्रेट चलाऊंगी. काफी बोल्ड मैंने स्ट्रेट चला दिया. एंड नाउ आई विल बी मर्जिंग इट विथ स्काई ब्लू. आप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि आपको डार्क से लाइट की तरफ आना है. दिस वेज, दिस वेज. देखो डार्क टू लाइट. आप आने आने आप प्लास्टिक क्रेयॉन कर रहे हो ना, तो आप कलरिंग शुरू करो, डार्क की आउटलाइन डाल के अंदर लाइट लाइट कलर से उसको कर सकते हो. ये आपको इस तरह से सारे सर्कल्स फिल करने हैं अपने पसंद के कलर के. मैं एक और कलर स्कीम आपको दिखा देती हूँ, ब्राउन एंड गोल्डन. ब्राउन एंड गोल्डन, येलो ऑकर. आप बताओ इसमें ब्राउन और येलो ऑकर में ब्राउन डार्क है, तो हम किससे शुरू करेंगे? ब्राउन से शुरू करेंगे. ठीक है, देखो अब जैसे स्पाइरल शेप है, इस स्पाइरल शेप के आउटर में मैं ये ब्राउन लूंगी, और अब मैं ग्रेजुअली काफी थिक थिक ब्राउन करने के बाद, बस ये बात आपको याद हमेशा रखनी है कि जब आप ऑयल पेस्टल करते हो तो पहले डार्क कलर अप्लाई करते हो, फिर लाइट की तरफ बढ़ते हो. ये देखो डार्क टू लाइट. ओके, एंड आपको इस तरह से सारे सर्कल्स अपने पसंद के कलर से फिल करने हैं, लेकिन डार्क और लाइट ये बात का याद रखना है. डार्क टू लाइट, पहले डार्क का आउटर सर्कल भरना है, फिर लाइट कलर से उसको मर्ज करना है. आना करते जाओ बेटा अपने पसंद के कलर्स. हाँ अनम्यूट करो अपने आपको, आरना को अनम्यूट करो. हाँ आरना तोमर. हाँ यस बेटा बोलो. मैम मेरे पास ऑयल पिस्टल्स है तो फिर चलो ऑयल पिस्टल से करो. फिर आपने देखा ना, करना शुरू करो, राउंड राउंड चलाना. ठीक है, छोटा छोटा राउंड चलाना, करो करो. ऑयल पिस्टल है तो ऑयल पिस्टल से करो. और ये मैंने ऑयल पिस्टल से आईब्रोज को एक शेप दे दिया है. हाँ हाँ श्रग भी दिखाओ. हाँ गुड श्रग भी. श्रग भी आपको सारी ये सर्कल आउटलाइन करके रखने थे, ये होमवर्क था आपका. ठीक है श्रग भी, तो अब आप पहले आउटलाइन करना. अब हम अब इस चीज को होमवर्क में छोड़ते हैं. आप सारे स्टूडेंट्स इस पे आ जाओ. अब हम अपने मधुबनियार, जितने भी न्यू स्टूडेंट है उन्होंने मधुबनियार ड्रॉ कर ली क्या? श्री गोयल आपने कर ली? अगर नहीं करी तो आप इसको कंटिन्यू करो. ये कंटिन्यू करना आ गया ना. हाँ, और जिन लोगों ने ये आर्ट कंप्लीट कर ली, हाँ वो आप इस पे आ जाना. मैं बस इसके आईब्रोज और फिनिश कर लूं. ये हल्का सा ब्राउन डाल के मैं इसको ब्लैक को ब्राउन के साथ मिक्स कर रही हूँ. ठीक है पलाक्षी. हाँ वेरी गुड. अब हम इसी के पे आ रहे हैं. बस अब मैं इसकी टचअप और दे दूं. ये देखो मैंने आईब्रोज को टचअप दिया.
अच्छा, और एक चीज और स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स यहाँ देख लो ध्यान से, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन, एक मिनट सारे स्टूडेंट्स सुनो, हाँ एक मिनट सुनो। अब जैसे फेस कंप्लीट हो गया ना, तो द लास्ट स्टेप इज हाइलाइटिंग, ठीक है। हाइलाइटिंग क्या होती है, अब जैसे नोज की आउटलाइन थी, इसमें देखो कलर चढ़ गया ना, जब पेंसिल से मैं धीरे धीरे इस चीज को स्क्रेच करूंगी तो माय लाइंस विल हाईलाइट, या आईब्रोज की लाइन छुप गई है ना, मैं सबको स्क्रेच करके क्या होगा, जो कलर चढ़ गया है मेरी, देखो ये आईलिड्स पे कलर चढ़ गया है, तो मैं पेंसिल की हेल्प से वो सारा कलर स्क्रेच कर रही हूँ। देखो ये कलर स्क्रेच हो रहा है, फिंगर पे आप देख भी पा रहे होंगे, आपको धीरे 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 ये सारी लाइंस को क्लीन करना है। ऐसे, ठीक है, देखो लिप्स, तो क्या होगा, ये हाइलाइटिंग हो जाएगी आपको। ऐसा ही ये होमवर्क है आप सबका, और यही हाइलाइटिंग आपको हर डिजाइन के साथ करनी है। ये जो सारा ये डिजाइन छुप गए ना, इन सारे डिजाइन को आपको पेंसिल चला के हाईलाइट करना है, तो ये आपका डिटेल्ड वर्क रेडी हो जाएगा। ओके, तो जिन बच्चों ने अब मधुबनी नहीं बनाया है वो इसको कंप्लीट करो, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के इसको कंप्लीट करो। पहले डार्क कलर आउट में डालना आरना, कोई भी डार्क कलर डालना, फिर उसको लाइट कलर से मिक्स करना, को शुरू करो। ये हाइलाइटिंग हो गई, अब इस हाइलाइटिंग के बाद आई विल बी कमिंग ऑन मधुबनी। मधुबनी या हाँ, सारे स्टूडेंट्स मधुबनी पे आ जाओ। अब जिन बच्चों ने मधुबनी आर्ट ड्रॉ नहीं करी है वो इसके सारे सर्कल्स फिनिश करेंगे, ठीक है। भाभी आपने मधुबनी नहीं ड्रॉ करी ना, तो आप ये सर्कल फिनिश करो, आपको मेथड समझ में आ गया ना। अच्छा श्री, आपने मधुबनी ड्रॉ की है, श्री गोयल मधुबनी ड्रॉ करी है, तो आप कलरिंग शुरू, हाँ तो चलो कलरिंग शुरू करते हैं। अब आप इसके फेस को बनाने के लिए उसी तरह से स्किन कलर लो और पिंक कलर लो। चलो अब फेस में पिंक कलर की आउटलाइन डालो, सारे स्टूडेंट्स मधुबनी पे आ जाओ। पिंक कलर की आउटलाइन डालकर आपको धीरे धीरे स्मोकी डालनी है, बहुत डार्क नहीं डालनी है, ठीक है। और आपको स्किन कलर से मर्ज करना है, स्किन कलर से मर्ज कर दो, केयरफुली मर्ज करोगे, ठीक है। ये देखो छोटे किनारे पे स्ट्रेट चलाना, अपने स्किन कलर को भी किनारे पे स्ट्रेट चलाना, क्योंकि बहुत छोटा सा फेस है, किनारे पे बोल्ड स्ट्रेट चलाने के बाद आप इसको फिर राउंड फॉर्म में चलाना। ओके, नाउ सी द फेस इज डन। अब ये फेस फिनिश हो गया, इसी तरह से आपको ये हैंड्स, इस हैंड्स में फिनिश करना है ऑयल पेस्टल भर के, और इसमें भी जहां जहां ये है अपने हैंड्स हैं आपको ऑयल पेस्टल चला देना। आप स्ट्रेट भी चला सकते हो क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैंड्स हैं, और अगर आपको लगे कि इससे हम नहीं कर पा रहे तो आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी ले सकते हो, ठीक है ना, छोटे माइन्यूट उसके लिए आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी ले सकते हो। मैंने ये सारे में स्किन कलर भर दिया है, वो भी ऑयल पेस्टल से। ठीक है, यहां पे ये हैंड्स हैं, इसमें भर दो स्किन कलर, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लास्टिक क्रेयॉन से करो, यू विल फाइंड इट इजी टू डू, ठीक है, प्लास्टिक क्रेयॉन से कर लो। ये लेग्स इसके फीट में कर दो स्किन कलर,
मैं देखो प्लास्टिक क्रेयॉन कर रही हूँ अब. ओके नाउ आफ्टर दिस अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको प्लास्टिक क्रेयॉन लेना है. सारे स्टूडेंट्स प्लास्टिक क्रेयॉन लो और प्लास्टिक क्रेयॉन से पिंक कलर लेके इसकी चुन्नी में कलर कर लो, लाइट लाइट इसके दुपट्टे में लाइट लाइट कलर कर दो, क्योंकि ये हमको ट्रांसपेरेंट दिखानी है चुन्नी, ठीक है ना. तो सिर्फ हम इसकी जो पीछे जो उसने सिर पे चुन्नी ओढ़ी हुई है, ओढ़नी बोलते हैं जिसको, एक डायरेक्शन में बिल्कुल स्मूथ स्ट्रोक्स के साथ पिंक कर दो इसको. अगर आप इसको अपने वॉल पीस की तरह लगाना चाहते हो और कुछ स्टोन्स वगैरह भी लगाना चाहो तो इसको लगा के डेकोरेट कर सकते हो, इट लुक्स ग्रेट. इसके इयर्स में भी मैं स्किन कलर भर देती हूँ, ठीक है ना. अगर आपको लगे कि छोटी जगह मैं नहीं भर पा रही तो आप इसको प्लास्टिक क्रेयॉन से करो, प्लास्टिक क्रेयॉन के साथ ये बहुत अच्छा निकल आएगा, ठीक है. और जिन बच्चों ने ऑयल पेस्टल मधुबनी नहीं किए वो इसमें सर्कल फिनिश करते जाओ, क्योंकि इसमें बहुत काम है, ठीक है. और स्टूडेंट्स डूडल आर्ट, जैसे डूडल आर्ट के बारे में मैं बताऊं, डूडल आर्ट इज वेरी गुड फॉर इंप्रूविंग योर कलरिंग स्किल. तो आपको गिव अप नहीं करना है, उसकी माइन्यूट डिटेलिंग को देख के घबराना नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हम घबरा जाएंगे तो क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहेंगे, बताओ. अगर हम ऐसे घबराते रहे कि नहीं ये बहुत टफ है हम नहीं कर सकते, तो वी विल नेवर बी एबल टू ग्रो, ठीक है ना. तो डूडल आर्ट को इस तरह से सोचकर कि आप एक ही स्ट्रोक और टेक्निक को जब बार बार करते हो तो यू गेन लॉट्स ऑफ कमांड ओवर योर कलर्स, ठीक है. देखो ओके, नाउ वी विल फिल डिफरेंट कलर्स इन ड्रेस. प्लास्टिक क्रेयॉन, पिक अप योर प्लास्टिक क्रेयॉन्स एंड नाउ द कलरिंग विल बी वेरी डार्क. सी आई एम टेकिंग दिस कलर एंड आई विल कंप्लीट द ड्रेस. स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स आप देख रहे हो, मैं बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं ले रही हूँ, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रही हूँ. लेकिन अब हमें डार्क कलरिंग करनी है. हमने दुपट्टा जो बनाया था वो लाइट कलरिंग का बनाया और हमने जितना भी बड़ा बड़ा पार्ट था इस ड्राइंग में वो हमने ऑयल पिस्टल से बना लिया. लाइक स्टेज हमने ऑयल पिस्टल से बना लिए, फेस भी हमने ऑयल पिस्टल से बना लिया और बालों, ठीक है. इसके पहले हम इसके हेयर भी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है. सब लोग मेरे साथ हेयर करो, ब्राउन कलर लो. हाँ प्रिशा कंटिन्यू, डोंट सेट. ब्राउन कलर करो बालों में. सी लाइक दिस, आप इसमें ब्राउन के ऊपर ब्लैक भर दो. ब्राउन भरने के बाद प्लास्टिक क्रेयॉन से फिल ब्लैक, ओके, टू शो हेयर. ब्राउन के ऊपर हमने ब्लैक किया है, ठीक है. हाँ भव्य आप करते जाओ बेटा, अपनी जो ये वाली ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग को आप करते जाओ, ठीक है. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. अब हमें इसकी ड्रेस को कलरफुल बना देना है, येलो कलर, पिंक कलर, सारे ब्राइट कलर्स के साथ. ये देखो मैं ऑरेंज के साथ ब्राइट येलो ले रही हूं. अब जैसे येलो पिकअप किया है ना, तो आप छोटे छोटे डिस्टेंस पे येलो कर डालो पहले, बार बार कलर को चेंज करने के बजाय. अब जैसे मैंने येलो लिया है, मैंने येलो थोड़ा यहां डाल दिया, एक इस स्ट्राइप में मैंने येलो डाल दिया. आप अपनी मन मर्जी वहां पे येलो डाल सकते हो, ठीक है ना. आप देखो मैंने ये सारा येलो कर दिया, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस. और याद रहे यहाँ पे आपको डार्क कलर करना है,
यहाँ लाइट लाइट नहीं करना है, और एक बॉर्डर भी मैं येलो कर देती हूँ टू शो द जरी वर्क. ठीक है, यहां पे भी ठीक है. अब मैं समझो अपना कलर चेंज कर लेती हूँ, एंड आई विल कम ऑन ब्लू. मैंने ब्लू कलर ले लिया, अब ब्लू कलर से कुछ चीजें बना लेते हैं. ठीक है ना, हम इस वाले पार्ट में ब्लू भर लेते हैं. यानी जहां आपका आपको कलरफुल ड्रेस बनानी है, स्मॉल स्लीपिंग लाइंस एंड डार्क. ये देखो ब्लू, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लू मैं यहां डाल देती हूँ लाइंस में. ठीक है, दिस ब्लू. ऑरेंज को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ, ऑरेंज मेरा काफी कम रह गया. ये मिडिल फ्लावर्स में मैंने ऑरेंज डाल दिया. यानी अपनी ड्रेस को मल्टी कलर्ड बना देना है, बस इतनी सिंपल सी बात है कि हमें हमारी ड्रेस को इतना कलरफुल दिखाना है, हर स्ट्राइप को. एक कलर जो भी उठा रहे हो ना, उसको दो तीन जगह डाल दो तो इट विल लुक ग्रेट. अब जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ यस वलाक्षी बोलो बेटा. लास्ट वन मैम, कैन वी यूज मैम टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर फॉर व्हाट बेटा? मैम लाइक मैम इफ वी हैव टू इरेज इट. इरेज व्हाट? नो मैम लाइक मैम स्क्रैच इट आउट. नहीं नहीं नहीं, स्क्रैचिंग इज आई विल टीच, दैट इज इन टेक्सचर आर्ट. अर्ना आपने ये वाली ड्राइंग तो ड्रॉ नहीं करी ना? अर्ना करिए, करी थी, अनम्यूट करो अर्ना अपने आपको. आपने करी थी तो अब भी कलरिंग शुरू करो. फिर हमको ईयरबड से सजाना है. हम ईयरबड अलग कर लिया. नहीं मैम, कलर नहीं किया मैम. जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा जो उसकी बॉडी है वो, इसमें ये जो है वो उसमें जगह नहीं बनी मुझे. तो कोई बात नहीं, जितनी थोड़ी जगह है ना तो उसमें स्किन कर दो, नहीं जगह है तो कोई बात नहीं. ठीक है, आप डिजाइन में डिफरेंट डिफरेंट कलर डालना शुरू कर दो बेटा. ठीक है, मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ. ग्रीन, अब देखो मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी भरना शुरू कर दिया है. अरे वो मैंने पूरा नहीं किया ना. अब हार बैठ जाओ ना. मैं ये पूरी स्ट्राइप को मैम, यहाँ बेटा बोलो. मैम मैं डिजाइन मैंने पूरा किया तो मैं डिजाइन के वाले पे भी कर. हाँ डिजाइन को भी भर दो. देखो मैं अलग अलग डिजाइन में अलग अलग नहीं भर रही हूँ, मैंने डिजाइन को पूरा भर दिया है. मैं उसको ईयरबड से बनाऊंगी. ठीक है, देखो अब मैं ना थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ. आप जैसे देखो हमने ये सारा कलर कर दिया, अब हमको इसको ईयरबड से सजाना है. और कलर को डार्क डार्क बनाया. अगर आपका आधा रह जाता है बेटा, मेरे साथ पूरा नहीं हो जाता तो कोई बात नहीं, आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आप उसको अपने आप से भी कर पाओगे. एक बार टेक्निक समझ लो, जैसे कि मैंने सब में प्लास्टिक क्रेयॉन करे हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको प्लास्टिक क्रेयॉन से पूरी ड्रॉइंग को करने के बाद ईयरबड से सजाना कैसे है. ठीक है ना, ये मैं आपको सिखा देती हूँ अभी. यस ये मैंने येलो से इसको करके ऊपर ऑरेंज डाल दूंगी. ठीक है, आपका जितना हो रहा है मेरे साथ करते जाओ. फिर जैसे मैं ईयरबड उठाऊंगी, आप भी ईयरबड से शुरू हो जाना. देखो यहाँ के फ्लावर्स को मैंने ये ऑरेंज कलर भर दिया, और इस आउटलाइन को मैंने व्हाइट ही रहने दिया, और यहाँ मैंने ऑरेंज डाल दिया इसमें. मैंने इस पूरी स्ट्राइप को ऑरेंज डाल दिया. मैम एक बार आप मेरी ड्राइंग देखिए एक बार. हाँ दिखाओ दिखाओ ना, दिखाओ.
हाँ हाँ तो ठीक है, आप फेस में शुरू करो। अगर आपके लहंगे में अभी डिजाइन नहीं बना तो कोई बात नहीं, आपके ब्लाउज में बन चुका है, हैंड्स में बन चुका है, आप उसमें कलरिंग शुरू करो। जैसे मैंने पिंक बनाया ना, आप पिंक बना शुरू करो। डिजाइन आप बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड पलाक्षी, अच्छा जा रहा है बेटा। अब मैं यहाँ पे ये ब्लू डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्लू डाल दिया, मैंने यहाँ पे भी ब्लू ले लिया। ऐसे ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं। इस तरह से आपको पूरी ड्रेस को कलर करना है। अब हम लेंगे अपना ईयरबड। चलो जितना भी सारे बच्चों का जितना बन गया है उतना ठीक है। अब सारे बच्चे अपने वाटर कलर्स खोलो और एक ईयरबड निकालो। ईयरबड निकाल के अब हमें अपनी ड्रॉइंग को डिटेल्ड करना है। अब अपनी ड्रॉइंग को डिटेल्ड करना है, चलो शुरू करें। आपको इसी तरह से ब्लाउज में और सब जगह कलर करना है, ठीक है। आपको सब जगह कलरिंग करनी है। हाँ चलो अब ये हो गया। अब सारे स्टूडेंट्स अपने कलर्स निकालो, अपने वाटर कलर्स निकालो। अब हम वाटर कलर्स का वर्क करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने ले लिया येलो कलर, ठीक है, येलो कलर। और अपने ईयरबड से येलो कलर लो, येलो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि मुझे हाँ इस ब्लू कलर में, इस ब्लू स्ट्राइप में, देखो सारे स्टूडेंट्स देखो, इस ब्लू स्ट्राइप में ये डॉट, ये मैंने येलो डॉट्स बना दिए, देखो, ठीक है। आप ईयरबड निकालो सारे स्टूडेंट्स। आप अगर डार्क कलर है, जैसे आप ब्लू है तो ब्लू के ऊपर आप येलो कलर के सर्कल ले सकते हो। अच्छा मुझे ज्वेलरी बनानी है, तो ज्वेलरी को भी बनाने के लिए मैं गोल्डन ज्वेलरी बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी ईयरबड से, देखो यहाँ सारे स्टूडेंट्स देखो, मैंने ये देखो सर्कल और ये 1 2 3 आप देख पा रहे हो सारे स्टूडेंट्स, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, शो योर थम्स अप। ये मैंने ज्वेलरी बना दी देखो ईयरबड से, और इसी तरह से मैं इयररिंग भी बना रही हूँ। एक सर्कल सेंटर में रखा और बाकी सर्कल्स मैंने साइड पे ले लिए, तो ये क्या हो गया मेरा, मेरी ज्वेलरी रेडी होगी। ईयरबड से आपको सजाना है इसको। अब पहले बेसिक कलर करने के बाद फिर आपको ईयरबड से इसको सजाओगे, ठीक है। दूसरा भी इयररिंग क्या बेटा, हाँ तो आपको ना इसमें थोड़ा सा पानी का डॉट डाल के यार ना, और इसको थोड़ी देर ऐसे ब्रश घुमाओगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसमें ईयरबड से बनाना, ठीक है। हाँ मैम तो पहले ब्रश को यूज करना है। नहीं पहले ब्रश से उसमें पानी ऐड करो फिर ईयरबड से बनाना, ईयरबड को घिसना, पानी डालेगा ईयरबड को घिसोगे ना, जिनके पास केक कलर्स है उनको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा नाउ आई एम टेकिंग पिंक। आप देखो मैं पिंक कलर ले रही हूँ, फ्लोरेसेंट पिंक। आप देखो मैंने पिंक लिया है, और पिंक लेने के बाद इसके दुपट्टे में आप देख रहे हो, मैं इसके दुपट्टे में कलर कर रही हूँ। ये मैंने छोटे छोटे डॉट्स को पिंक इससे बना दिया है, ईयरबड से। पहले अब मैंने जैसे पिंक लिया है तो मैं पिंक का काम सब जगह फिनिश कर दूंगी, ताकि बार 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 ईयरबड में मुझे ये देखो ईयरबड से वाटर कलर का टच हमने ईयरबड से डाल दिया। मैं इसकी चुन्नी में भी छोटे छोटे डॉट बनाना चाह रही, छोटे डॉट बनाने के लिए आपको कम प्रेशर देना है। ईयरबड से क्या होगा बेटा, आपको कलरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पिंक कलर से मैं इस वाली स्ट्राइप में डॉट बना रही हूँ, देखो ये वाले डॉट पिंक, पिंक सारे डॉट्स पिंक, कलरफुल बनाओ इसको, मल्टी कलर, अपने पसंद के कलर्स डाल दो, लेकिन नेगेटिव कलर्स मत डालना, ठीक है, नेगेटिव कलर से ही खराब लगेगा।
Now see, I'm taking blue color. I'm taking blue color. मैं ऐसा करती हूँ पिंक के यहाँ पे भी ये डिजाइन बना लेती हूँ, यहाँ पे भी पिंक अच्छा लगेगा. देखो ये वाला जो डिजाइन है ना, इस डिजाइन के ऊपर मैंने पिंक रख दिया, पिंक. देखो ये देखो पिंक से ही कितना अच्छा लग रहा है ना, पिंक. आप थोड़ा पानी कम लें. अपनी ड्रेस को ब्यूटीफुल कलर से सजाओ. मैं येलो कलर से इसके नेकलेस को भी सजा देती हूँ. आपने देखो मैंने इसके नेकलेस के नीचे जो बीट्स है ना, उसको मैंने येलो और पिंक कलर के मोतियों से सजा दिया है. ठीक है, अब मैं इसी येलो कलर से क्या करना चाह रही हूँ, क्या सजाना, इसकी मोती सजा लेते हैं. ये जो है ना इसका लहंगा है ना, इसकी जो लेस है, इस लेस के ऊपर मैंने नीचे जो सर्कल बनाए थे उसमें मैंने ये डाल दिया येलो. हाँ यस प्रिशा, प्रियांशा बोलो बेटा, प्रियांशा. हाँ प्रियांशा क्या बोल रहे हो बेटा बोलो. हाँ प्रियांशा, हाँ कुछ बोलना है, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ बोलो. क्या फिर से बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हुई है वो. You don't have colors? हाँ बेटा अब आप अनम्यूट हो, बोलो क्या बोल रहे हो. नहीं आ रहा है प्रियांशा, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा वहां से. आई एम नॉट एबल टू लिसन यू. हाँ आप बोलो, आपके पास कलर्स नहीं है? कलर्स है, ईयरबड है? नहीं नहीं सुनाई दे रही उसकी आवाज. आप है ना मैसेज कर देना मुझे, ठीक है. अभी कंटिन्यू करो, चलो. तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है बेटा प्रियांशा. ये मैंने ब्लू कलर के ग्रीन कलर के डॉट से यहाँ पे मैंने ये डॉट्स डाल दिए, ठीक है. और अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ब्लू और ब्राउन भी भरने का मन है. तो मैं क्या करूंगी, वाटर कलर्स नहीं है आपके पास? वॉटर कलर, केक कलर्स या ट्यूब कलर्स कोई तो कलर होंगे ना, आप उससे कर लो. कोई भी एक नहीं है आपके पास वॉटर कलर्स? अच्छा तो फिर आप एक काम करो, आप सारी डिजाइन में अलग अलग कलर भर दो, ठीक है. और बाद में आप सर्कल की जगह स्टोन लगा देना, ठीक है. स्टोन से भी उतना ही सुंदर लगेगा. सी नाउ आई एम टेकिंग व्हाइट. हाँ हाँ कौन, भूवी बताओ. भूवी आपको कुछ बोलना है बेटा? No, ma'am. No? अच्छा आप देखो, यहाँ देखो मैंने ये जो व्हाइट कलर लिया है, व्हाइट कलर को मैं यहाँ पे ग्रीन के साथ में डाल रही हूँ. यानी अपने फ्लावर में आपको जहां मर्जी हो वहां आपको सर्कल वाले डिजाइन में इसको डालना है, ठीक है ना. ये व्हाइट डॉट्स मैंने बना लिए, मैं ये येलो डॉट से इसके ब्लाउज का बॉर्डर भी बना रही हूँ. देखो ये येलो जो डॉट है, इस येलो डॉट से इसके ब्लाउज का ही बॉर्डर ये रह गया था. ठीक है, येलो कलर हम इसके कंगन में गोल्डन दिखाने के लिए हम येलो कलर भर देंगे. और किनारे पे मोती दिखाने के लिए हम व्हाइट कलर की ईयरबड से व्हाइट हम इसको, देखो मैं अभी व्हाइट कलर लूंगी और व्हाइट से मैंने इसमें बीड्स बनाए हैं. आप देखो ये अब क्या हुआ, हमने जो फ्लैट कलर भरे थे उसको जब, और इसके इयररिंग, इसकी जो इयररिंग है ना ये वाली, उसको भी हम येलो कलर से बना देते हैं, ठीक है. गोल्डन दिखाने के लिए हमने येलो कलर लिया और येलो कलर की रिंग बना दी. ये लो फिंगर में रिंग भी हमने येलो कलर की बना दी, प्यारी सी. ओके ये व्हाइट को हम कुछ जगह पे डॉट्स में यूज कर सकते हैं, ग्रीन में हम यूज कर सकते हैं व्हाइट के डॉट्स को. देखो ये ग्रीन जो स्पाइरल बनाया था इसमें व्हाइट डॉट्स कितने सुंदर लग रहे हैं. आद्या बंसल आप कर रहे हो, आर्नी करते जाओ. आर्नी हाँ आद्या बंसल आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड. अब इसको ना ईयरबड से सजा दो बेटा,
बहुत ब्यूटीफुल सजा दो, ये इस तरह से ईयरबड से आपको इसको ब्यूटीफुल कर देना है। मैंने ये ऑरेंज कलर के उसमें भी डॉट बना दिए हैं। ब्राउन को लेके कोई कोई जगह पे ब्राउन का भी टचअप ले सकती हूँ, जैसे मुझे लगे कि कहीं ब्राउन लेना है मैंने ना यहाँ पे ब्राउन ले लेती हूँ, ये ब्राउन ठीक है। मैं कई बार एक ही ईयरबड में दो तीन कलर ले रही हूँ तो दो तीन कलर का एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बन जा रहा है। मुझे पता है आप सब कलर स्कीम के साथ बहुत क्रिएटिव हो, तो ठीक है आपको कलर स्कीम के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको इसकी ड्रेस को बहुत कलरफुल बनाना है, तो आप इसकी ड्रेस में जो मर्जी हो वो कलर आप भरो और भरने के बाद इसको ईयरबड से सजा दो। ठीक है, ईयरबड से जब सजा दोगे ना, अब एंड में हमें बचा है रेड। रेड कलर तो सबसे ब्यूटीफुल है और रेड को तो हम भूल ही नहीं सकते। मैं रेड ले रही हूँ और जहां पे मैंने येलो लिया था ना वहीं पे मैं रेड ले रही हूँ रेड, और रेड से मैं अपने कुछ डिजाइन्स को हाईलाइट कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे इसको मैं रेड से कर देती हूँ, ठीक है यहां मैं रेड डाल देती हूँ। देखो इसके ये यहाँ पे मैंने रेड कलर के सर्कल डाल दिए है। ईयरबड से क्या होगा, आपका काम एकदम फटाफट होगा और आपकी ड्राइंग का आउटपुट एकदम सुंदर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी और आपको सबको करनी है वो ये बेटा कि इसके लिप्स और आईज फिनिश कर लो। ठीक है, आईज को तो आप स्केच पेन से ही बना लो ऐसे, और लिप्स को प्लास्टिक क्रेयॉन से बनाना, ऑयल पेस्टल मत भरना क्योंकि लिप्स बहुत पतले हैं, ऑयल पेस्टल ब्लंट होते हैं ना तो वो बाहर निकल जाएंगे। आप ये ठीक है, और सारी ड्राइंग में हमने कर दिया। मैं रेड कलर से ये भी करेगा। अप्रियांशा आप कलरिंग करो फिर आप डॉट बाद में बनाना, आप तब तक पूरे फिगर में कलर करो, आप वाटर कलर के चक्कर में मत बैठो, पूरे फिगर में कलर करो। और अगर आज आपके पास वाटर कलर्स नहीं है तो आप फिर इसको कलर करो, इस वाली ड्राइंग को, लेकिन आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है बेटा। ठीक है, अभी रेड कलर जो मैंने लिया है, इस रेड कलर से मैं इसकी मेहंदी बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी रेड कलर भर देती हूँ, और आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी से मेरी पूरी ड्रेस कलरफुल हो गई ईयरबड की हेल्प से। देखो है ना, ईयरबड की हेल्प से पूरी ड्रेस को मैंने कलरफुल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं और इस तरह से हमारी ड्राइंग फिनिश हो गई। ठीक है, तो आज आपको आपके पास बहुत होमवर्क है, अपने स्कूल का काम करने के बाद आपको ये ड्राइंग फिनिश करनी है, ये ड्राइंग हमारी काफी दिनों से, और हाईलाइटिंग जरूर कर लेना पेंसिल से पूरी कलरिंग होने के बाद, अभी मत करना, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसको हाईलाइटिंग जरूर करना क्योंकि हमारे ये फीचर्स है ना, इसके पे ऑयल पेस्टल चल गया है तो पेंसिल से इसको हाईलाइट कर लोगे तो ये ड्राइंग फिनिश हो जाएगी। और ये है हमारी ब्यूटिफुली डन मधुबनी आर्ट। ठीक है, इसके पैरों में थोड़ी सी मेहंदी और लगा देती हूँ, तो यहाँ पर रेड लगा देती हूँ नीचे की साइड, थोड़ी सी मेहंदी में हाथों में भी लगा देती हूँ, सिर्फ एक लाइन बनानी है, पूरे हाथों को रेड नहीं करना। ठीक है, और देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर से सिर्फ ईयरबड की डॉट लगाई है मैंने। ठीक है ना, हमने सिर्फ सिंपल कलरिंग की और कलरिंग करके ईयरबड की डॉट से हमने इसको सजा दिया, इसकी ज्वेलरी आप देखो। और इस ड्राइंग को आप अपने घर में जहां पे गेस्ट एंटर होते हैं ना तो उनकी नजर इस पे पड़े, एंट्रेंस पे लगाना क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव, इतने मल्टी कलर्ड हमने इसमें यूज किए हैं कि एक बहुत पॉजिटिव ड्राइंग बन गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा, अगर मेरी इसमें रेड है तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी डाल देती हूँ। ठीक है, हाँ तो आज की हमारी यही क्लास थी। ठीक है, एंड होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया होगा और ये चीज आपके लिए होमवर्क है।
ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये आप सबके लिए होमवर्क है, आपको इसको होमवर्क में करके रखना है ये वाली ड्राइंग को, ओके? इस ड्राइंग को, ये स्क्रीन रुक गई है क्या? ठीक है, यू सी स्टूडेंट्स, आपको इस ड्राइंग के हर सर्कल में डार्क और लाइट कलर का मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग के बाद पेंसिल से हाईलाइटिंग करनी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? हम इसको फ्राइडे को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसे शायद मीटिंग इज ओवर, हाँ ओके ओके ओवर। आप एक आपके ना